बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई एम मोहम्मद अलमान एंड माई सब्जेक्ट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू फॉर ADP सेमेस्टर टू ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। जी डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपना जो टॉपिक कैरी कर रहे हैं दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर कॉरपोरेशंस। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट टू लेक्चर्स के अंदर हम लोग अपनी बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ डिस्कस कर चुके थे, और जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया भी था कि इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रॉब्लम जो है ना सॉल्यूशंस की तरफ मूव करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस होगा, हम क्वेश्चन देखेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप लोग भी इस कंडीशन में होंगे कि आप भी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज मैं आपको कुछ होमवर्क्स भी असाइन करूँगा, और उस होमवर्क से इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फीडबैक आएगा। फर्दर कोई प्रॉब्लम होगी तो एज़ यूजल जैसे मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि व्हाट्सअप अवेलेबल है हमारे पास, उस पर आ जाइए, या इसी पे जब हम एडमोडो के ऊपर भी कमेंटिंग में अगर आपको क्वेश्चंस करना चाहते हैं वो भी कर लें, लेकिन बेटर मैंने आपको यही रिक्वेस्ट की थी कि व्हाट्सअप के ऊपर आ जाएंगे, वहाँ पर मुझे वॉइस नोट दे दिया करें। वॉइस नोट में ये कि क्वेश्चन को समझना भी आसान होता है मेरे लिए, और वॉइस नोट के ऊपर क्वेश्चन को फिर आंसर करना भी मेरे लिए आसान होता है। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस है हमारे पास, डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम है फर्स्ट, और ये प्रॉब्लम आपकी बुक से ही ली गई है। आज के लेक्चर के लिए बेहतर है कि अभी आप लेक्चर को यहाँ पर पॉज करके पहले अपनी बुक आप साथ कैरी कर लें, और बुक का पेज नंबर 529 अपने सामने रख लें, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगली स्लाइड्स पर मूव कर जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें बार बार क्वेश्चन टच करना पड़ेगा, तो फिर बार बार पिछली स्लाइड पर आना जरा थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि हम अपने पास बुक अपने साथ कैरी कर लें। बुक का पेज नंबर 529 डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम आपको उसमें नज़र आ रही होगी। हम उस डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ आज मूव करेंगे। पहले क्वेश्चन को पूरा थॉरली डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, और उसके बाद इसका सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। लेट वी स्टार्ट जी। बैटन कॉरपोरेशन बिगेन ऑपरेशंस ऑन January 1, 2010। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू स्टॉक होल्डर्स इक्विटी अकर्ड इन द फर्स्ट टू ईयर ऑफ कंपनीज ऑपरेशन। अब उसने हमसे ये बताया कि हमारी जो कंपनी है बार्टन कॉरपोरेशन है, इसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं January 1, 2010 को, और कुछ ट्रांजेक्शन उन्होंने फिर हमें बता दी जो कि कंपनी ने फर्स्ट टू ईयर्स में ट्रांजेक्शन की हैं रिगार्डिंग स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। अब वो ट्रांजेक्शन उसने हमें हाईलाइट की जनवरी फर्स्ट से ऑनवर्ड, अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है January 1, 2, 3, 4, 5 ये थी 2010 से रिलेटेड, और फिर 2011 के अंदर फिर से जाकर एक June 4 के अंदर एक और ट्रांजेक्शन हुई। ये आपको कुछ ट्रांजेक्शन उन्होंने टोटल अप्रॉक्सीमेटली 6 ट्रांजेक्शन आपकी ये बनती हैं। उसके बाद उसने हमसे रिक्वायरमेंट में देखिए क्या क्या डिमांड किया। रिक्वायरमेंट में सबसे पहले उसने हमसे कहा जी प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन। अगर पिछले दोनों लेक्चर्स आप सबने मेरे साथ लिए तो उसमें हमने बेसिक्स में ऑलमोस्ट जो जो कुछ भी इसमें डिस्कस किया जाएगा वो हम सारा कुछ बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पहले डिस्कस कर चुके हैं। हर एस्पेक्ट्स के हम जर्नल एंट्रीज को डिस्कस कर चुके हैं, शेयर्स की इशुएंस से रिलेटेड है, डिविडेंड से रिलेटेड है, ट्रेजरी स्टॉक है, एंड सो ऑन, जो कुछ भी है वो हम सारा बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर चुके हुए हैं। उसके बाद नंबर सेकंड रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जी प्रिपेयर द स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट, कि हमारी जो बैलेंस शीट होती है उसमें इक्विटी सेक्शन किस तरह से बनाया जाता है वो हमने बनाना है एज ऑफ December 31, 2010 एंड December 31, 2011 बेस्ड ऑन दीज ट्रांजेक्शन। बेसिकली आपको भी पता है बेटा कि बैलेंस शीट ईयरली बेसिस के ऊपर बनाई जाती है और हर साल के एंड पर बनाई जाती है। तो इसी तरह जब इस बुक में 2 सालों की डिस्कशन की गई है इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमने भी फिर 2 सालों का इक्विटी सेक्शन सेपरेट यहां पर शो करना है। एक बनेगा हमारा December 31, 2010 का, और एक हमारे पास बनेगा December 31, 2011 का। ये हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट थी। थर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं तो हमसे कहता है प्रिपेयर अ टेबल, एक टेबल हमने बनाना है शोइंग डिविडेंड एलोकेशन एंड डिविडेंड्स पर शेयर फॉर 2010 एंड 2011। क्या हमने फिर क्या करना है जो डिविडेंड का एक टेबल बनाना है जिसमें डिविडेंड एलोकेट जितना किया गया हमने वो बताना है, टोटल डिविडेंड कितना है, और डिविडेंड पर शेयर बताना है 2010 एंड 2011 दोनों का। और साथ ही साथ हमसे कहता है कि अज्यूमिंग बार्टन डिक्लेयर द फॉलोइंग कैश डिविडेंड्स। अब उसने हमें टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स यहाँ पे हाईलाइट कर दी है कि 2010 में हमारी कंपनी ने जो टोटल डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया है वो कितने का है जी 50,000 का, यानी कि 50,000 रुपए का, एंड 2011 में उसने कितने का बताया 300,000 यानी कि 3 लाख रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है हमारी कंपनी ने टोटल। अब ये टोटल डिविडेंड है, याद रखिएगा, ये प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के लिए भी इसी के अंदर से दिया जाएगा, कॉमन वालों को भी इसी के अंदर से दिया जाएगा। और जैसे कि हम बेसिक्स में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को हमेशा डिविडेंड पहले दिया जाता है और कॉमन को
बाद में दिया जाता है। बाकी जब इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे तो इंशाल्लाह डिटेल डिस्कस करते हैं। और रिक्वायरमेंट नंबर 4 है, प्रिपेयर द जनवरी 2, 2010 जर्नल एंट्री। ऊपर अगर आप जाके देखिए तो जनवरी 2 पे एक एंट्री हमें नजर आ रही है, अगर एक बार मैं उसको पढ़ भी दूं तो इश्यूड 200,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक फॉर 12 कैश पर शेयर। उस ट्रांजेक्शन के बारे में हमें यह बताता है कि प्रिपेयर द, आप दोबारा रिक्वायरमेंट पे चल रहा हूं, प्रिपेयर द जनवरी 2, 2010 जर्नल एंट्री फॉर बार्टन्स इश्यूएंस ऑफ 200,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक फॉर 12 कैश पर शेयर एज्यूमिंग कॉमन स्टॉक इज नो पर स्टॉक विदाउट अ स्टेटेड वैल्यू। अब वो हमें यहां पर यह बताना चाह रहा है कि जो 200,000 शेयर्स हमने इशू किए हैं वो 200,000 शेयर्स कॉमन स्टॉक की कौन सी टाइप है। नंबर ए में वो कह रहा है कि वो नो पार स्टॉक है, यानी कि उसमें कोई पार वैल्यू डिसाइडेड नहीं है और कोई स्टेटेड वैल्यू उनकी डिसाइडेड नहीं है, डायरेक्टली बस हमने उसको 12 रुपए पर शेयर के हिसाब से उसको सेल आउट कर दिया एज पर द नीड ऑफ द कंपनी। और बी पार्ट में हमसे कहता है कॉमन स्टॉक इज नो पार स्टॉक, है तो वो नो पार स्टॉक बट उसको एक वैल्यू असाइन की गई विद अ स्टेटेड वैल्यू ऑफ 10 पर शेयर, और उसको वैल्यू क्या असाइन कर दी गई है 10 पर शेयर के हिसाब से उसको यहां पर ये असाइन कर दी गई है। तो ये टोटल हमारे पास 4 रिक्वायरमेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन की आ गई हैं। अब हम लोग वन बाय वन इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि बेटा बुक आप लोग अपने पास रख लें और पेज 529 पर चले जाएं, क्योंकि अब मैं जब अगली स्लाइड पर मूव करूंगा तो हमें जर्नल एंट्रीज के टाइम पे बार बार ट्रांजेक्शन को देखना पड़ेगा। तो बुक अगर आपके पास होगी तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। हम लोग फिर बार बार क्या करेंगे कि वापस स्लाइड्स पर जाने से बेहतर है कि बुक अपने साथ रखते हैं और बुक से ऊपर हम पढ़ते जाएंगे ट्रांजेक्शन को, और बुक के साथ साथ फिर हम क्या करते हैं इसको सॉल्यूशन की तरफ मूव करते जाएंगे। ठीक है जी। अब हमारी रिक्वायरमेंट्स में अगर आपको याद हो तो पहली रिक्वायरमेंट से कहा था कि एंट्रीज पास करनी है। अब जरा फर्स्ट ट्रांजेक्शन को मैं दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ, जरा मैं अपनी बुक से पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी अपनी बुक्स अपने साथ रखिएगा। बहरहाल फिर भी मैं एक बार रिक्वायरमेंट की सॉरी टू से बेटा क्या हम क्वेश्चन को सामने ले आते हैं। जनवरी 1st के ऊपर उसने कहा जी ऑथराइज द इशुएंस ऑफ 2 मिलियन शेयर्स ऑफ 5 रुपीज पर वैल्यू कॉमन स्टॉक। ऑथराइज का मतलब है कंपनी ने ऑथराइज करवा लिया, कंपनी ने रजिस्टर्ड करवाया अपने आप को कितने कैपिटल के साथ 2 मिलियन शेयर्स। 2 मिलियन का मतलब है 20 लाख शेयर्स के साथ कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया है, और एक शेयर की जो पार वैल्यू है हमारे पास कॉमन स्टॉक पे वो कितने की है हमारे पास 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से। और साथ ही साथ हमें मेंशन कर रहा है कि एंड 100,000 शेयर्स, और 1 लाख शेयर्स हमें साथ बता रहा है ऑफ रुपीज 100 पार वैल्यू, और उसकी वैल्यू हमें कितनी बता रहा है 100 रुपीज के बारे में बता रहा है 10% क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक। अब ये 10% क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक, इसको एक बार यहां पर मैं एलेबोरेट करता चलूं तो प्रेफर्ड स्टॉक के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। 10% क्या है, 10% उसका रेट ऑफ डिविडेंड है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर जो डिविडेंड है उसकी एक फिक्स परसेंटेज है जिसके हिसाब से हमने उसको डिविडेंड पे करना होता है। और क्यूमुलेटिव का मतलब यहाँ पर क्या शो कर रहा है, अगर इसकी भी ये टाइप आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक उसे कहा जाता है कि अगर हम किसी साल में हमारी कंपनी इनको डिविडेंड नहीं दे पाई तो फिर अगले साल में जाकर कंपनी उसको 2 साल का डिविडेंड पे करती है। पिछले साल का डिविडेंड भी कंपनी को पे करना पड़ता है और प्लस अगले साल का जो करंट ईयर चल रहा होता है उसका भी पे करना पड़ता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखिएगा कि ये क्यूमुलेटिव है। अगर आगे हमारी रिक्वायरमेंट में जाकर ऐसा होता है कि हम किसी साल में डिविडेंड नहीं पे कर पाएंगे तो हमें अगले साल में जाकर पिछला रिमेनिंग डिविडेंड भी जो है वो भी हमें पे करना पड़ेगा। तो ये थी हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर इस ट्रांजैक्शन को हम गौर से पढ़ें तो ये जस्ट एक ऑथराइजेशन है, कंपनी ने अप्रूव करवाया है। तो ऑथराइज करवाना दिस इज नॉट अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, इसीलिए हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे जर्नल के अंदर इसकी किसी भी किस्म की कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। ये तो थी हमारी जनवरी 1st। अब मूव करते हैं जनवरी 2nd की तरफ जहां पर प्रॉपर एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की गई, और वहां पर वो हमसे कहता है कि इशूड 200,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक फॉर 12 रुपीज कैश पर शेयर, कि हम 200,000 शेयर्स हम इशू करने जा रहे हैं 12 रुपए पर शेयर के हिसाब से कैश फॉर्म में हम इशू करने जा रहे हैं। यानी पिंस एट कंपनी शेयर इशू करेगी और उसके अगेंस्ट कैश रिसीव करेगी, और कितने का कैश रिसीव कर रही है 12 रुपए का। अब आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर उसने मैं जो पार वैल्यू बताई है वो पार वैल्यू अगर आप लोग देखें जहां मेरा कर्सर है तो वो 5 रुपीज की पार वैल्यू है इस वक्त, और 5 रुपीज की पार वैल्यू के अगेंस्ट हम लोग 12 रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो अगर हम अपनी पार वैल्यू से ज्यादा चार्ज करते हैं तो एज पर माई बेसिक्स लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि अगर हम पार वैल्यू से ज्यादा पर शेयर इशू करें तो इस इश्यूएंस को हमने क्या नाम दिया था, प्रीमियम का नाम दिया था। तक अब यहां पर हम एक शेयर के ऊपर अगर आप गौर से देखिए तो 5 रुपीज वाला शेयर अगर हम 12 रुपीज में इशू कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट इसका डिफरेंस देखिए तो 7 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है जो हम एक शेयर के ऊपर क्या चार्ज कर रहे हैं, प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, एक्सेस चार्ज कर रहे हैं।
अब हम मूव करते हैं इसकी जर्नल एंट्री की तरफ। तो अब आप देखिएगा, फर्स्ट यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है कि सबसे पहले हमने एक जर्नल फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर इसको ड्रॉ किया कि 2010 हमने सबसे पहले ईयर मेंशन किया, फिर हमने डेट मेंशन की जनवरी 2 की। अब हम इस एंट्री के ऊपर आते हैं तो टोटल एंट्री में हमने डेबिट किसको किया, कैश को। अब यहाँ पर 24 लाख रुपये की अमाउंट हमारे पास किस तरह से आई है कि टोटल 2 लाख रुपये के हमारे पास क्या थे, 2 लाख शेयर से। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने के हैं, 200,000, 2 लाख रुपये के हमारे पास शेयर्स हैं, 2 लाख नंबर ऑफ शेयर, सॉरी टू से क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। और वो शेयर्स हमने 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से इशू किए हैं। तो इसका मतलब टोटल कंपनी को कैश फॉर्म में कितना रिसीव हुआ है जी, 24 लाख रुपये कंपनी को कैश फॉर्म में रिसीव हुआ है। लेकिन इस 24 लाख रुपये के अगेंस्ट कॉमन स्टॉक 5 रुपीज़ पर वैल्यू, अगर आपको याद हो तो मैंने पहले दिन आपसे बताया था कि कंपनी अपनी लाइबिलिटी इसको कितने से बनाएगी, जस्ट 5 रुपीज़ से। तो 2 लाख शेयर्स अगर हम 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग चेक करें तो ये टोटल कितने का बनता है, 1 मिलियन का। यानी कि इस 24 लाख में जो कंपनी के शेयर्स की पर वैल्यू है वो कितने की है, 1 मिलियन की। और हम एक्सेस कितना चार्ज कर रहे हैं इसके ऊपर, 14 लाख रुपये। अब ये 14 लाख की अमाउंट हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो 24 में से 10 माइनस कर दें तो बाकी 14 लाख आ जाएगा, या दूसरी तरफ हम ये काम भी कर सकते हैं कि हमने कहा था कि 7 रुपये पर शेयर हम क्या चार्ज कर रहे हैं, प्रीमियम, या जिसको हमने क्या नाम दिया था, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। तो 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से अगर हम देखें तो 2 लाख शेयर्स हैं, 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से 14 लाख की अमाउंट बनती है। और इसके नीचे हमने इसकी नरेशन भी लिख दी, इशूड 200,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक। ठीक हो गया जी, मैं दोबारा से रिवाइज कर दूं, कैश 24 लाख क्योंकि हमने 2 लाख शेयर इशू किए हैं 12 रुपए के हिसाब से, और उस 12 रुपए के अंदर 5 रुपए उसकी पार वैल्यू है जो कि कॉमन स्टॉक में चली गई, और बाकी 7 रुपए के हिसाब से 2 लाख शेयर्स के ऊपर हमने कितना चार्ज कर लिया, 14 लाख रुपया, जो कि हमने क्या नाम दिया, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार वैल्यू की बात की हमने। डन होगी बात जी बेटा। ये हमारे पास सेकेंड जैन की एंट्री थी, जनवरी 2 की हमारे पास ये ट्रांजेक्शन थी। अब हम फिर से वापस मूव करते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर जो कहा जहाँ पर क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन हमने इसमें देखिए, जनवरी अब 2 की ट्रांजेक्शन तो हमने रिकॉर्ड कर ली, जनवरी 3 के ऊपर आते हैं तो वो कहता है जी इशूड 100,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक। अब फिर से हम 1 लाख शेयर्स कॉमन स्टॉक के इशू करने जा रहे हैं इन एक्सचेंज फॉर अ बिल्डिंग वैल्यूड एट 820,000। एक बिल्डिंग के साथ एक्सचेंज करने जा रहे हैं शेयर्स को, जो कि बिल्डिंग कितने की है, 8,20,000, 820,000, एंड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और साथ ही साथ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी हम परचेज कर रहे हैं वैल्यू डेट रुपीज़ 380,000 मीन्स 380,000। तो 2 एसेट्स हम परचेज करने जा रहे हैं इस वक्त, बिल्डिंग 8,20,000 और उसी के साथ साथ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 380,000। अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो टोटल 12 लाख रुपए के एसेट्स हम परचेज करने जा रहे हैं, और वो परचेज इस तरह से कर रहे हैं कि हम उसके अगेंस्ट कैश नहीं दे रहे बल्कि उसके अगेंस्ट हम अपनी कंपनी के क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। अगर आपको बेसिक्स याद हो तो वहां पर हमने डिस्कस भी किया था कि शेयर्स को हमने इशू किया अदर देन कैश पर्पज के लिए या किसी एसेट की परचेजिंग के लिए। ठीक है जी, अब याद रखिएगा हम 1 लाख शेयर्स इशू करने जा रहे हैं और 2 एसेट उसके अगेंस्ट हम परचेस कर रहे हैं, जो कि टोटल वैल्यू कितनी बनती है, 12 लाख रुपए की हमारे पास उनकी टोटल वैल्यू है। अब अगर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर जाके देखिए, तो जनवरी 3 की एंट्री में बिल्डिंग बींग एसेट हमने डेबिट किया 820,000 जो कि हम परचेस कर रहे हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बींग एसेट हमने यहाँ पर डेबिट किया 380,000, तो इनका टोटल हमारे पास 12 लाख का आएगा। अब 12 लाख रुपए के एसेट परचेस करके इसके अगेंस्ट हम सिर्फ 1 लाख शेयर्स दे रहे हैं, और 1 लाख शेयर्स 5 रुपए पार वैल्यू के हिसाब से तो टोटल कितने के बनते हैं, 5 लाख के। अब जरा कॉमन सेंस के साथ देखिएगा बेटा यहां पर कि 5 लाख रुपए के शेयर्स दिए जा रहे हैं लेकिन उसके अगेंस्ट 12 लाख का बेनिफिट लिया जा रहा है। इट मींस दैट कि हम अपने उन 5 लाख रुपए के शेयर्स के ऊपर 7 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट ले रहे हैं। 12 लाख का टोटल बेनिफिट हम रिसीव कर रहे हैं और 5 लाख रुपए के शेयर्स दे रहे हैं। इन शॉर्ट हमारी इनकमिंग 12 लाख की है और हमारी आउटगोइंग वहां पर कितने की है, 5 लाख की। तो वो जो 7 लाख रुपए का हम एक्स्ट्रा बेनिफिट टेकअप कर रहे हैं उसको फिर हम किस चीज पर चार्ज करते हैं, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। फिर हम ये कह सकते हैं कि हम अपने उन 5 लाख रुपए वाले शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाकर उसको 12 लाख के इक्वल करके दे रहे हैं। इट मीन्स दैट कि हम 5 लाख रुपए के शेयर देकर अगर 12 लाख का बेनिफिट लेते हैं तो 7 लाख का जो एक्सेस बेनिफिट है उसको हम किस चीज का नाम दे देते हैं, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार वैल्यू की बात करते हैं। और इसके नीचे भी नरेशन हमने लिख दी कि इशूड 100,000 शेयर्स, 1 लाख शेयर्स हमने इशू किए ऑफ कॉमन स्टॉक। ठीक है जी, कॉमन स्टॉक के लिए हमने इशू कर दिया। क्लियर हो गया बेटा जी ये सेकंड हमारी नेक्स्ट एंट्री भी। उसके बाद आगे चलिए, नेक्स्ट दोबारा से वापस चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो जनवरी 4 की हम एंट्री के ऊपर आते हैं, क्योंकि जनवरी 1 की तो एंट्री थी कोई नहीं, जनवरी 2 हम कर चुके हैं, जनवरी 3 हम कर चुके हैं, जनवरी 4। अब ट्रांजेक्शन है हमारे पास ही पेड
10,000 कैश टू कंपनीज फाउंडर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, के जो कंपनी के फाउंडर्स हैं उनको हमने ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज के अगेंस्ट हमने कितना कैश पे किया, 10,000 का कैश पे कर रहे हैं। अब बेटा कंपनी के जो फाउंडर्स हैं जब वो कंपनी की एक्सपेंसेस जो है ना वो अकर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमने उसकी एंट्री जो पास किया जनवरी 4 के अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है, उसको डेबिट किया 10,000 से, वेरी सिंपल एंट्री, और उसके अगेंस्ट हमने कैश पे कर दिया तो कैश को क्रेडिट कर दिया क्योंकि हमने कैश पे कर दिया। बड़ी सिंपल सी एंट्री थी, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस बीइंग एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस नेचर वाइज डेबिट होता है, और कैश एक डिक्रीज इन एसेट है, और एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसकी भी नेचर क्या होती है, क्रेडिट कर दिया जाता है उसको। क्लियर हो गया जी? और यहाँ पर नरेशन हमने लिख दी, पेड फाउंडर्स, फाउंडर्स को पे किए फॉर ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज एक्सपेंस है जो हमने पे ऑफ कर दिया। क्लियर हो गई बात जी यहाँ तक बच्चे? चलिए जी फिर से वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनवरी 5, 2010 के ईयर की लास्ट एंट्री है हमारे पास, 2010 के ईयर की जनवरी 5 पे एंट्री हमें क्या कहते हैं जी, इशूड 12,000 शेयर्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक फॉर 110 कैश पर शेयर। 12,000 प्रेफर्ड स्टॉक हम इशू करने जा रहे हैं, और कितने में इशू कर रहे हैं, 110 में इशू कर रहे हैं कैश के अगेंस्ट, यानी कि हम कैश रिसीव करेंगे और प्रेफर्ड स्टॉक इशू करेंगे। अगर आप एक मिनट के लिए दोबारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर आइए तो उसमें देखिए हमने जहां पर मेरा कर्सर है 100,000 शेयर्स ऑफ 100 पार वैल्यू 10% क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक के हमने जो ऑथराइज करवाए थे उसमें पार वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 100 रुपीज की पार वैल्यू थी, और अब हम उस 100 के अगेंस्ट हम कितने में शेयर इशू कर रहे हैं, 110 में इशू कर रहे हैं। इट मींस दैट अगेन हम 10 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, और 10 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जिंग को हमने बिजनेस लैंग्वेज में क्या नाम दिया था, प्रीमियम का, या इसको हमने क्या नाम दिया था, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार का नाम दिया था। प्रेफर्ड स्टॉक भी यहां पर पार की बजाय प्रीमियम पर इन एक्सेस ऑफ पार पर इशू किया जा रहा है। अब जनवरी 5 की जरा एंट्री के ऊपर आकर देखिए बेटा, गौर से देखिएगा कि टोटल हम लोग शेयर्स कितने इशू करने जा रहे थे जी, 12,000 शेयर्स है हमारे पास, और 12,000 शेयर्स के अगेंस्ट हम चार्ज कितना कर रहे हैं उनसे, 110 रुपए के हिसाब से हम उनसे चार्ज कर रहे हैं। 12,000 शेयर्स के ऊपर हम टोटल 110 रुपए के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, तो ये टोटल अमाउंट हमारे पास कितने की बनती है जी, 13,20,000 रुपए की। 12,000 शेयर्स, मैं फिर से बताता चलूं, 12,000 शेयर्स को हमने मल्टीप्लाई किया 110 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितने की आ गई बेटा, 13,20,000 रुपए की वैल्यू आई। अब इस 13,20,000 रुपए की वैल्यू का आप जरा ब्रेकअप लेना है, क्योंकि वो जो हम 110 रुपए चार्ज करने जा रहे हैं उसको अगर मैं ब्रेक करूं तो उसमें 100 रुपया तो था उनकी पार वैल्यू, तो 12,000 शेयर्स पे 100 रुपए के हिसाब से टोटल लायबिलिटी कितने की बनी, 12,00,000 रुपए की। तो जो हम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं 10 रुपीज पर शेयर, तो 12,000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 120,000 रुपया हम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, जिसको प्रीमियम या दूसरा नाम हमने क्या दिया था, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार वैल्यू प्रेफर्ड स्टॉक के, हम प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर ये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं 120,000 का। तो ये हमारे पास ये भी क्रेडिट हो गया, क्योंकि एक इनकम है कंपनी के लिए, कंपनी का बेनिफिट है, तो उसको भी हमने बीइंग अ इनकम नेचर वाइज उसको क्रेडिट कर दिया यहाँ पर। क्लियर होगी बात जी?